बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाई इस वक्त हम मौजूद हैं एक नए कैटल फार्म पे, ताबीर कैटल फार्म पे, और ये वीडियो बेसिकली आज अपने ही फार्म से स्टार्ट करनी थी, लेकिन यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रही है उसकी आपको वजह बताता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ताबीश भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं जो हूँ ना, इनको बेस्ट विशेस देने के लिए आया हूँ, और इन्होंने नया फार्म स्टार्ट किया है, ये न्यू कमर है हमारी इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है ना स्टेप लिया है माशाल्लाह। मैं बेसिकली कल आया था यहाँ पे, आपने मेरी कल की वीडियो भी देखी होगी, मैं मूसा का व्लॉग बनाने आया था, तो इन्होंने भी इन्वाइट किया, इनकी कलेक्शन देखी, बहुत अच्छी लगी, और देखते ही देखते अल्लाह पाक के करम से जो है ना एक बछड़ी का इनसे मेरा सौदा बन गया, और इन्होंने वाकईतन कदर करी मेरी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। तो मैंने बोला वो बछड़ी भी अभी आपको दिखाते हैं, उस बछड़ी पे नेम सजेशन भी लेना है, अभी यहाँ से लोड भी होगी मेरे फार्म पे, अनलोड होगी जाके, लेकिन उससे पहले जो इनकी अवेलेबल कलेक्शन है वो भी ज़रा मैंने बोला एक नज़र आपको दिखा दें, ताबिश भाई से पूछ लें। गुलमोर सोसाइटी में अलाशिक डेयरी कैटल फार्म है, उसके अंदर ही इनका भी है, मूसा का भी इनके बराबर में, इनका भी यहाँ पर है, मतलब साथ साथ ही हैं। तो चलते हैं ताबिश भाई, आप जो है ना वो ज़रा स्टार्ट करें, पहले जो है वो 25 के मेरे ख्याल से किड्स आपने रखे हैं, आप बोलेंगे 26 के, इवन 26 के भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बच्चे हैं बिल्कुल छोटे, जी जी जी, और माँ बच्चों के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह पलाई पे आए हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पलाई पर हैं आपके पास? बिल्कुल। अच्छा, इनमें से अवेलेबल है भी कोई? कोई भी अवेलेबल नहीं है, सब क्लाइंट्स। अच्छा, तीनों क्लाइंट्स के हैं, और माशाल्लाह ये ब्राह्मण में आ रही है बच्ची, ब्राह्मण में आ रही है, ये बच्ची सिर्फ 3 महीने की है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सिर्फ 3 महीने की है बच्ची, ये 1.5 महीने की है वाली, बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली 1.5 महीने की है, वो तीनों इनकी मामा काउस खड़ी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छे हाथ पाँव में, अच्छे नाफे झालर में, माशाल्लाह। ये बताऊंगा, ये भी 6 महीने का बच्चा है, ये भी बता रहे हैं कि भाई सिर्फ 6 महीने का बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन खूबसूरत स्लगर के अंदर बछड़े आ रहे हैं। इसमें से भी कोई अवेलेबल है? नहीं नहीं, कोई नहीं, सब पढ़ाई के ऊपर। अच्छा, सब पढ़ाई पर है माशाल्लाह, तो आपने यानी स्टार्ट ही बहुत बेहतरीन किया है कि माशाल्लाह पढ़ाई के ऊपर भी दूसरों को भी शौक करा रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। तो ये जो है ये भी पलाई के ऊपर है, ब्लैक हमारा, सही है, ब्लैक पैंथर नाम है इसका, ब्लैक पैंथर हल्का सा स्लगर में आ रहा है, और ये पहले जो मैंने दिखाया था ये भी चोलिस्तानी में है, सही, चोलिस्तानी स्लगर के अंदर आ रहा है, ये भी 10 महीने का बच्चा है सिर्फ, और ये भी 10 महीने का बच्चा है, ठीक, 10 महीने के बच्चे हैं भाई माशाल्लाह, ये भी अगले अगले सालों के बिल्कुल बिल्कुल बच्चे हैं माशाल्लाह। ये हमारा वीआईपी, आप देखें, बाहुबली अल्हम्दुलिल्लाह इसका नाम रखा, और बाहुबली नाम रख दिया आपने, कह रहे हैं भाई बाहुबली इसका नाम रखा है, और ये भी 12 महीने का बच्चा है भाई, सही है, और ये आ गया भाई पांडा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके नाम से तो वाकिफ होंगे, बिल्कुल, आपने इसका नाम रेम्बो रखा है, बिल्कुल रेम्बो रखा है, ठीक है जी, और ये है इस साल का, ये इसी साल का है, ये फॉर सेल भी है, ये फॉर सेल अवेलेबल भी है भाई, अच्छा बछड़ा है, चारों पांव पे मोजे हैं, और पांडा फेस है, नाक से गुलाबी है, बिल्कुल बिल्कुल नाक से गुलाबी है, गुलाबी नाक में, असल में वंडा खा रहा है ना, तो वो नाक इतनी विजिबल हो नहीं रही है, अच्छा बछड़ा है माशाल्लाह, सही है, और यहाँ से हमारी जो है वो कलेक्शन शुरू हो गई है फॉर सेल वाली, अब ये फॉर सेल की कलेक्शन स्टार्ट हो गई है, जिनमें से एक बछड़ी जो है वो मैं खरीद चुका हूँ, तो कल लगाओ शौकीनों, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो एक ये बछड़ी भी है, तो तुक्का लगाओ भी, देखते हैं आप लोग का तुक्का जो है वो सही होता है कि नहीं होता। ऐसा है कि असल में मेरे भी फार्म पे इस वक्त वंडा चल रहा है, फार्म पे शेड कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, उसकी भी अभी आपको आगे आके अपडेट देता हूँ कि काम कितना हो गया, कैसा हो गया, वो भी आपको दिखाता हूँ फार्म जाके। तो खैर, आप लोगों ने आई गैस के शायद गैस किया हो, नहीं भी किया तो मैं आपको बता दूँ भाई, ये वाली बछड़ी जो है ना अल्लाह पाक के करम से, ये जो है वो अब जा रही है ताबीर कैटल फार्म से AQ कैटल फार्म पे, और इसके लिए मैंने फ़िलहाल दो नाम सोचे हैं, आप लोग मशवरा दिएगा, एक मैंने इसके लिए नाम सोचा है गोल्डी, GOLDIE गोल्डी, और एक मैंने इसके लिए नाम सोचा है गोल्डन बफ, ठीक है, दोनों में से आप लोग बताएं आप लोग को क्या नाम आप लोग चाह रहे हैं, आपने इसका क्या नाम रखा हुआ था? हमने इसका कोहिनूर नाम सोचा, कोहिनूर नाम रखा हुआ था आपने, सही है, कोहिनूर नाम रखा था, लेकिन मैंने उसके ज़रा असल में कलर प्रिंट को देखते हुए ना, गोल्डन पांडी है माशाल्लाह गुलाबी नाक में और दोनों आंखों पे चश्मा है, तो मैंने वो देखते हुए मैंने बोला थोड़ा सा गोल्डन कलर से रिलेटेड नाम होना चाहिए, तो बस अब ये है कि बिस्मिल्लाह करते हैं, इनकी इसकी लोडिंग करते हैं और AQ कैटल फार्म पे चलते हैं। अच्छा जी, ये खोल रहे हैं बछड़ी को, एक दो तीन बछड़ियाँ मैंने बोला आपको खुलवा के भी दिखा दें, ये तो आ गई माशाल्लाह अपने वाली गोल्डी या गोल्डन बफ, अब ये आप लोगों ने बताना है कमेंट करके इसका क्या नाम रखा जाए, जाओ 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 माशाल्लाह,
मैं बोला ज़रा बाहर निकलवा लेते हैं रोशनी में, दिखाते हैं अंदर अंधेरे में नज़र नहीं आ रही थी सही से। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, वाली भी ले आओ साथ ही, तीनों खूबसूरत बछड़ियाँ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। माशाल्लाह ठीक है सी, अब इसको लोड कर दें, उन दोनों को ले जाएं। चलो भाई जाओ भाई, ये भी अंदर जाएगी और अब ज़रा उसकी लोडिंग की तरफ हम चलते हैं। ठीक है भाई, लोड कर दी है उसने बछड़ी तकरीबन, रिवर्स आ गई। चलो भाई चलो चलो, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अब इसकी अनलोडिंग आपको दिखाते हैं फार्म पे चल के। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बछड़ी आ गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी मेरे ख़्याल से ताबिश भाई भी आ रहे हैं, उनकी असल में थोड़ी सी पलाई सर्विस भी उनके फार्म पे अवेलेबल है, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स बताना रह गई, तो वो मैं ज़रा वो आ ही जाए, मैंने बोला आप आ जाएँ मेरे फार्म पे आके कहीं पर ही बता दें, तो वो लोग अभी आ रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी फिर आपको डिटेल्स लेके देते हैं। बाकी ये कि बछड़ी माशाल्लाह अपने होम स्वीट होम आ गई है एक्यू कैटल फार्म पे। अच्छा जी, वैसे तो अनस भाई ने ताबिश भाई ने वंडा करा कर ही भेजा था, लेकिन हमने भी उसके लिए थोड़ा सा वंडा ना रोक के रखा हुआ था, बछड़ी के एक जानवर का फालतू आज बनवाया था, इसकी आमद क्योंकि मुतवक्के थी, तो जो है ना वो उसको थोड़ा सा वंडा दे दिया है। और ताबिश भाई और अनस भाई आ गए हैं, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम बैक टू कैटल मार्केट कराची एंड एक्यू कैटल फार्म। तो भाई मैं आपसे असल में वहाँ पे ना वो पलाई की डिटेल्स पूछना भूल गया, तो ये बताएं कि क्या क्या पैकेजेस हैं और पलाई सर्विस है अवेलेबल या नहीं है। जी जी मुजम्मिल भाई, बिल्कुल पलाई सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, और आपने जैसे कि देखा कि पलाई पे हमारे पास ऑलरेडी कुछ माल है भी जी। तो पलाई सर्विस मुजम्मिल भाई, आप तो माशाल्लाह करते हैं अच्छे से, तो आपको आइडिया कि हर जानवर के मुख्तलिफ होते हैं जी। अब जैसे एक एवरेज जानवर जो आजकल के शौकीन जैसे बिचोले बच्चों में गुलाबी बछड़ियाँ पसंद करते हैं, 4 मन 3.5 मन जी, उनका जो है हमारे पास 30,000 रुपए से पलाई स्टार्ट है। सही। जिसमें अच्छा अच्छे से अच्छा वंडा इंशाल्लाह मिलेगा, बाकी दूध और सीजन के हिसाब से घी तेल मक्खन का अलग हिसाब होगा। सही है, ये 30,000 में दही तेल घी मक्खन 30,000 में? नहीं नहीं, हाँ। वो एडिशनल होगा। 30,000 में बेहतरीन वंडा, बेहतरीन वंडा वैक्सीनेशन। जानवर जैसे बढ़ता जाएगा उसका, अब जैसे माशाल्लाह आपने जो बछड़ी ली है उसमें तो 30,000 का वंडा भी ऐसे ही है, हकीकत बात है। तो उस हिसाब से फिर प्राइसेस डिफरेंट है, 30, 40, 50 मुख्तलिफ। सही है सही है, हम इसको आखिरी नजर देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि एक तो आप अपना नंबर भी कॉल आउट कर दें, दूसरा जो है आप वो जो आखिर में हमने इसके साथ दो बछड़ियाँ और खोली थी, वो दोनों अवेलेबल हैं ना फॉर सेल? अवेलेबल भी हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर तो पलाई वाला था मैंने बोला, वो भी तो आप बता दें ज़रा नंबर बता दें अपना। और ब्लैक पांडा भी अवेलेबल, ब्लैक वाला पांडा भी अवेलेबल है। मेरा नंबर है 0315 3017970 ताबिश भाई का नंबर ताबिश भाई बताएंगे 0343 जी 2640 सही है 989 ठीक है। अब आखिर में आप लोग पहले भी आ चुके हो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे फार्म पे, और आज भी दोबारा आए हो, आपसे थोड़ा सा अपने फार्म के मुतालिक भी रिव्यू लेना चाहूँगा। अरे माशाल्लाह मुजम्मिल भाई, आपका काम तो माशाल्लाह नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और आप सब हमारे मोहसिन हैं माशाल्लाह। हम सब शौकीनों ने एक दूसरे को देख के काम को और समझा और सीखा, कई चीज़ें हमने आपसे सीखी इंशाल्लाह, उम्मीद है कई चीज़ें हम सब बिल्कुल, एक दूसरे से बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन माशाल्लाह सारा हमने आपका फार्म का बाहर से एक व्यू देखा है, तो माशाल्लाह एक से एक चीज़ खड़ी है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको इस काबिल रखे, और हमेशा आपका ये मायार रहे कि आप अच्छे से अच्छा शौकीनों का शौक करवाएं। जज़ाकअल्लाह।
बेहतरीन है माशा। थैंक यू सो मच अनस भाई एंड ताबिश भाई इतनी मोहब्बतों के लिए। और बाकी बछड़ी आप जो है ना अब इस बहाने आते ही रहेंगे इंशाल्लाह। सही है तो सीजन पे इंशाल्लाह देखना। हाँ मुजम्मिल भाई से क्या माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं अल्लाह पाक इसको पालेंगे इंशाल्लाह। और आप हाँ अपनी 110% इसके लिए कोशिश करेंगे इस बछड़ी को अच्छे से अच्छा बनाने की। अब हम आ गए तो कोशिश करते हैं मुजम्मिल भाई से भी इंशाल्लाह कोई अच्छी चीज। सर मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। जजाकल्ला जजाकल्ला।